press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे संदेश खाली का दरिंदा यानी शेख जहां, वो तो पकड़ा गया और संदेश खाली की महिलाओं से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आंखों में आंसू आ गए। तो इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया, आप वहां से लॉयर हैं, आप वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट भी करती हैं कई बार, अभी क्या होगा, इसको उठाकर ले जाएंगे टांगकर सीबीआई वाले, उनके बम पे चार डंडे पड़ेंगे या नहीं? हाँ, देखिए ना, जब केस्टो को अरेस्ट किया गया था और उसको दिल्ली ले जाने की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी सेट कर दी थी। उसके ऊपर एक फेक एफआईआर करवा दिया था, फिर स्टेट की पुलिस ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, अभी अभी सीबीआई नहीं लेकर जा सकता है, अभी ईडी नहीं लेकर के जा सकता है दिल्ली, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है। फिर जो व्यक्ति डिफेक्टो कंप्लेनेंट बना था, वो उसको जब ढूंढना स्टार्ट किया गया कि एफआईआर आया कहां से अचानक से, तब जा करके दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि ये फेक एफआईआर है और दिल्ली ना ले जाने के लिए ये सारी प्रक्रिया ममता बनर्जी जो है वो कर रही है ताकि केस्टो को दिल्ली ना लेकर जाया जाए। अब आती है बात कि इसी तरीके की बहुत सारी स्ट्रैटेजी ममता सरकार जो है शेख शाहजहां के लिए करेगी, अभी और भी करेगी, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बोलने जा रही हूं। शेख शाहजहां को सीबीआई अरेस्ट कर लेती है, अंडर कस्टडी ले लेती है, तो 48 घंटे के अंदर हो सकता है कि नुसरत रूही जहान जैन अरेस्ट हो जाए, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, क्योंकि नुसरत रूही जहान जैन ऑलरेडी ईडी के रडार में है, भागी भागी फिर रही है, और उसके बाद उनके नाक के नीचे इतना बड़ा मास रेप हो चुका है और वो बेहोश है, वो अपने मेकअप पॉलिश में बेहोश है। तीसरा सवाल ये भी उठता है कि आखिर नुसरत रूही जहान जैन के इर्द गिर्द ऐसे ही मुसलमान मर्द क्यों रहते हैं जो बलात्कारी होते हैं। तो ये तीन वजूहात की वजह से हो सकता है कि सीबीआई और ईडी 48 घंटे के अंदर नुसरत रूही जहान जैन को भी अरेस्ट करे आफ्टर द अरेस्ट ऑफ शेख शाहजहां। आपको लगता है कि शेख शाहजहां कितना सेफ है? क्योंकि मुझे लगता है इसके अरेस्ट के बाद में ममता बनर्जी माइट हैव अ प्रॉब्लम एंड वो कुछ और भी सोच सकती हैं, क्योंकि यू नो हाउ शी इज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरकार के द्वारा हिंदू माँ बहनों के जेनोसाइड करने की स्ट्रेटेजी में और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने मुसलमान बलात्कारी हैं जिनको छुपा करके रखा गया है या टीएमसी का पोस्ट और पद दे करके रखा गया है या टीएमसी के अंडर शेल्टर रखा गया है, ये सारी बातें जिस दिन सीबीआई के टेबल पर शेख शाहजहां इंटरोगेशन के लिए बैठेगा, ये चीजें साफ सुथरे तरीके से नजर आ जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जैसे ही ये सारी न्यूज आनी शुरू हो गई, इमीडिएटली सीबीआई ने उनके अगेंस्ट में 3 केसेस ठोक दिए हैं और इनका जो प्रॉपर्टी वगैरह है मेरे ख्याल से 12-15 करोड़ की शायद प्रॉपर्टी है ऑफिशियली। हाँ, ऑफिशियली 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक ही ऑफिशियली। हाँ, एक ही बंगला जो अलीपुर के आसपास है वही तो है 5.5 करोड़ का, उसके बाद 3 बंगले हैं जो बशीरहाट में है जो 2.5 करोड़ के हैं, उसके बाद फिर शाहजहां मार्केट है जो तकरीबन 15-16 करोड़ का है, तो उसके बाद फिर कुछ तालाब है कुछ और तकरीबन आई थिंक 2200 बीघा जमीन है, तो वो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की 200 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। अच्छा, पर ईडी ने तो बहुत कम लगाया है, इसका मतलब ईडी ने तो सिर्फ 12 करोड़ की एसेट्स को अटैच किया है इनके। जैसे जैसे वेरीफाई करेगी, जैसे जैसे दस्तावेज हाथ में आएंगे, डॉक्यूमेंट्स हाथ में आएंगे, वैसे वैसे वो इस बातों की पुष्टिकरण हो जाएगी, क्योंकि शाहजहां मार्केट जो है वही तकरीबन 15-16 करोड़ का है। शाहजहां मार्केट, इनके नाम से मार्केट भी है? हाँ जी, मार्केट है, मेगा मार्केट है, शाहजहां मेगा मार्केट है। उसके नाम से पूरी बिल्डिंग्स होती थी और वो वहां का धाकड़ होता था, कुछ वैसी सी बातें लग रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बंगाल इज स्टिल इन द लास्ट डिकेड, नॉट इवन लास्ट 2-3 डिकेड पीछे।
इसके पास कितनी है, 14 लग्जरी गाड़ी है, जिस 14 लग्जरी गाड़ी की कीमत तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए है। आई हैव द एंटायर डेटा, मैंने तो पूरी फाइल रेडी कर दी है। लास्ट इन्फॉर्मेशन के साथ वाइंड अप करना चाहूंगी, ममता बैनर्जी ने स्पॉन्सर किया है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, शाहजहां बचाओ आंदोलन इन बंगाल, इंडिया ब्लॉक साइलेंट ऑन संदेश खाली, शहजाद पूनावाला, उनका स्टेटमेंट आया है। बट शाहजहां बचाओ एक तरीके से चल रहा है, ममता बैनर्जी का मिशन बोलूंगी मैं, मिशन मोड में चल रही है वो इस तरीके के, मुसलमान बलात्कारियों को हमेशा ममता बैनर्जी जी ने बचाया है हमेशा, लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट यूज लेकर इसको यूज कर सकते हैं, जहां मन करे यूज करें, बट दिस इज द लिस्ट ऑफ एरिया वाइज द टीएमसी रोहिंग्या मुस्लिम कंट्रोलर्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कैन यू बिलीव दैट, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं और वेस्ट बंगाल कौन सी सदी में है, एरिया वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स हैं इनके, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स हैं। दिस वाज सो शॉकिंग फॉर मी व्हेन इट केम टू माय नोटिस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, हर डिस्ट्रिक्ट तो आपको बंदा पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। देखिए 2021 में तो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम ने तो कह ही दिया था द डॉन न्यूज़पेपर को कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और आज अपनी नंगी आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि कोलकाता तो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल मिनी पाकिस्तान हो चुका है। और कोई ठीक नहीं है कि 2-4 साल के बाद ये 2026 में अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं, अगर इन एनी केस तो वो मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत बिलीव करती हूँ, इनके बारे में ऐसी प्रेडिक्शंस आई हुई हैं, बट फॉरगेट अबाउट दैट, बट 2026 तक शी विल नॉट, क्योंकि वो अभिषेक बैनर्जी इनको ऑलरेडी धक्का मारने के लिए तैयार है, उनका बस चले तो इनको कल ही धक्का मारने। अगर वो जीतती हैं और ऐसे ही अग्रवाल और प्रसाद जैसे हिंदू पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वेस्ट बंगाल बंगलिस्तान बन जाएगा। वो बनाना भी तो वही चाहती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, अभिषेक बैनर्जी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, तो ग्रेटर बांग्लादेश का जो ख्वाब लेकर चल रही है, और उनके ऊपर एक बुक है, मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी अगर पीडीएफ मिलती है तो मेरे साथ भी शेयर करिएगा, दैट इज इन बांग्ला द फेल्ड गॉडेस, जिसके अंदर इनके निकाह की बात, इनके बच्चे की बात, इनके सेक्सुअल इंटीमेसी की बात, ये सारी बातें हैं, एंड शी हैज बैन द बुक इन वेस्ट बंगाल, शी इज बैन्ड इट, ऑब्वियस था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे बैन करवाया था, बहुत अग्रेसिवली बैन करवाया था। हाँ, तो वो अगर बुक मिलती है व्यूअर्स को और आप उसको बांग्ला पढ़ना जानते हैं या उसको कोई ट्रांसलेट करके इंग्लिश में हिंदी में दे सकता है, सो प्लीज शेयर इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस वुमन, जो महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकती है। मैं ये मान सकती हूँ कई बार महिलाएं बहुत अग्रेसिव होती हैं, बहुत रूड हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास डबल प्रेशर होता है, काम का, फैमिली का, हमारे अपने बायोलॉजिकल इश्यूज अलग रहते हैं, बट ये तो पूरी चांडाल जिसको बोलूंगी मैं, हो सकता है जैसे आप बोल रही है अगर मैं इंडिया में होती तो अब तक उठा ली गई होती वेस्ट बंगाल जी, बिल्कुल उठा ली गई होती जी। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वेरी पेनफुल सब्जेक्ट, आज खुद मोदी जी रो दिए देखने के बाद में, इनफैक्ट उनके वीडियोस भी आने अभी शुरू हो जाएंगे, हमने बहुत पहले उठाया और उनकी स्पीच ऑलरेडी वायरल हो रही है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सी द पेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत ही पेनफुल मैटर है। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ ममता बैनर्जी के राज खोले बल्कि जो उनकी पार्टी है टीएमसी उसके गुंडों के जो कारनामे हैं वहां से भी पर्दा उठाया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।